तो गुरु कुछ चाचा टाइप के लोग हैं जिन्हें फालतू में अपनी उंगली कहीं भी घुसाने में काफी ज्यादा मजा आता है। मुद्दा तुमको पता ही है, दीपिका के ऑरेंज कलर की बिकिनी पहनने पर एंड उसकी ऑरेंज कलर की बिकिनी को भगवे रंग से कंपेयर करने पर इतना ज्यादा बवाल मच रहा है। देन गाइस, अगर ये जायज है तो रील पर मटकती हुई 16 साल के निब्बो को खराब करती हुई अवनीत कौर, उसने भी ऑरेंज कलर की बिकिनी में ही फोटोशूट कराया था, गाइस उसे भी बैन कर दो। देन इसके बाद भारत मूवी में दिशा पटानी ने भी ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी, उसे भी बैन करा दो। देन बिपाशा बसु ने भी ऑरेंज बिकिनी पहनी थी। देन गाइस, जिन्हें आप विराट कोहली जिन्हें आप देश का क्रिकेटर मानते हो, उनकी जिन्हें उनकी पत्नी जिन्हें आप देश की बहू भी मानते हो अनुष्का शर्मा, उसने भी बिकिनी पहनी थी, उसे भी बैन करा दो। देन गाइस, टिप टिप वर्षा पानी में रवीना टंडन एंड दे धनाधन में कटरीना कैफ ने भी भगवे रंग की ही साड़ी पहनी थी, उसे भी बैन करा दो। गाइस, अगर ये जायज है तो मटकता हुआ ऑरेंज कलर के सूट में रणवीर सिंह भी जायज है एंड ऑरेंज बिकिनी में दीपिका पादुकोण भी जायज है। गाइस, ये सब चलता रहेगा, बट अपना केआरके काफी ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि कल इसे न्यूज पर दिखाया गया। गाइस, एक दिन केआरके को इसकी कॉम वाले ही मारेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ये इंसान है एंड अभी तो ये एक महीने के लिए जेल में गया था, बट ये काफी लंबा जाने वाला अगर इसकी आदतें ऐसे ही रही तो। बहरहाल, इन सबको करते हैं साइड, इनका तो रोज का है। देन गाइस, तुम अपना दिल छोटा मत करना क्योंकि पठान का कोई टच भी नहीं कर सकता है। देन गाइस, इसका एक और टीवी प्रोमो रिलीज होने वाला है जो सिर्फ टीवी पर दिखाया जाएगा, 15 सेकंड का होगा, इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा एंड ट्रेलर रिलीज हो रहा है 5 जनवरी को। पहले रिलीज होने वाला था 25 दिसंबर को, बट ट्रेलर में और ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस को ऐड किया गया है एंड और ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ाई गई, यानी 3 मिनट का है ट्रेलर, तो आराम से 3 मिनट तक इन्जॉय करना, कंबल ओढ़ के लीड लगा के सुनना, ट्रेलर को देखना और इन्जॉय करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।